शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या नाम है तुम्हारा? लकी। बड़े प्यारे बच्चे हो आप भी। तो बहुत प्यारी हैं आंटी। थैंक यू आंटी। कब तक तुम ये सच अपने बेटे से छुपाते रहोगे? आज वो इस शहर में आई है, कल वो उसके दिल तक पहुंच जाएगी। नहीं मौसी, नहीं। लकी के दिल में मेरा प्यार बसा है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं तो हंसने वाली बातें सुना रहा था, तुम रो रहे हो। गलती हो गई। सॉरी बोलो। सॉरी पापा। अरे पगले, मैंने तो तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, कोई कमी छोड़ी है क्या? नहीं पापा। तो हंस दो, हंस दो ना, चल सो जा। ले बेटे नाश्ता कर ले। लो आ गई। आ गई? रीटा जी आइए आइए। ये आप रीटा जी क्या बुलाते हैं? रीटा नहीं बुला सकते। एनीवे, ट्रेन से कुछ घोड़े आने वाले हैं, हमें स्टेशन जाना है। इस वक्त तो जरा मुश्किल है क्योंकि मैं लकी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। ओफो विशाल, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन आने वाली है, पहले ही हम लेट हो चुके हैं, प्लीज कम ऑन। पापा फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आपको मौसी छोड़ आएगी। मौसी आज तुम लकी को छोड़ा ना, वापसी में मैं लेता आऊंगा। नहीं पापा, आज मैं देर से आऊंगा। आज शाम को स्कूल के बाद हमें चैरिटी फंक्शन में ले जा रहे हैं, फिर रात को स्कूल बस ही मुझे घर छोड़ जाएगी। अच्छा, अब चलो भी। चलता हूँ। बाय पापा। बाय। विशाल, क्या देख रही हैं आंटी? परसों पहले कुछ खो गया था बेटे, ऐसे लग रहा है जैसे आज फिर से पा लिया हो। क्या नाम है तुम्हारा? लकी। बड़े प्यारे बच्चे हो आप भी। तो बहुत प्यारी हैं आंटी। थैंक यू आंटी। कब तक तुम ये सच अपने बेटे से छुपाते रहोगे? आज वो इस शहर में आई है, कल वो उसके दिल तक पहुंच जाएगी। नहीं मौसी, नहीं। लकी के दिल में मेरा प्यार बसा है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पापा।
क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे, इतनी देर से तुझे देखा नहीं था ना। चल चल अंदर चल। पापा, आज फंक्शन में एक आंटी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगर तुम वहां होते तो तुम भी आंटी को देखते ही रह जाते, बहुत प्यारी है वो, और अपने स्कूल की तरफ से उन्हें गुलदस्ता देने के लिए मुझे चुना गया था। अरे पापा, सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ? वो आंटी तुम्हें बहुत अच्छी लगी? हाँ? अपने पापा से भी ज्यादा? मेरे पापा से ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार करे तो तुम अपने पापा को भूल जाओगे? कैसी बातें करते हो पापा, तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार कर सकता है? सच? हाँ पापा, एक जान दो जिस्म कभी अलग हुए हैं क्या? चलिए रात शुरू हो जा। अरे अरे क्या कर रहे हो बेटे? क्यों, डर गया क्या? ज्योति जी बताइए ना। आंटी से क्या बात करता है, मुझसे करना। बोल, चोरी करने आया था ना, बता आंटी को। हाँ चोरी करने आया था मेरे बाप, अब तो माफ कर दे बाबा। भाग गया डरपोक कहीं का। लकी बेटे, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो। मेरे पापा मुझसे भी ज्यादा बहादुर अच्छा? हैं। अगर वो होते तो उसे भागने ना देते, पॉपकॉर्न बना देते उसका। चलो अंदर चले। आप यहाँ रहती हैं? हाँ। और मैं तो समझा कि आप वापस चली गई। मेरे कुछ प्रोग्राम है इस शहर में, इसलिए थोड़े दिन मैं यही रहूंगी। चलो चले। बात ये है आंटी कि मैं लड़कियों से जरा दूर ही रहता हूँ। अरे अरे अरे, लेकिन आपकी बात कुछ और है, चलिए। शरीर कहीं का, चलो। अरे गणेशन। यस मैडम। हमारे इस नन्हे से मेहमान के लिए कुछ खाने को ले आओ जल्दी। हम अभी लाता जी। क्या देख रहे हो लकी बेटे? आंटी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बजाय आपका नाम लकी होना चाहिए था। वो क्यों? इतना शानदार घर, लंबी गाड़ी, इतनी इज्जत, क्या नहीं है आपके पास? बेटे, ये सब हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। खैर ये बताओ बेटे, तुम अकेले घूमते रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का, फिर पास ही में तो घर है मेरा। अच्छा बेटे ये बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें अकेले बाहर जाने से रोकती नहीं? मम्मी? मम्मी तो है ही नहीं, सिर्फ पापा हैं, वो भी दिन में काम पर चले जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूँ। अच्छा बेटे तुम ऐसे किया करो, जब भी दिल चाहे मुझसे मिलने आ जाया करो, ओके? अब तो आ ही सकता हूँ ना, हमारी दोस्ती जो हो गई है। अरे पक्की दोस्ती है ना। हीरा यार, आज तूने बदमाशों को खूब भगाया, इसी बहाने ज्योति आंटी से भी मुलाकात हो गई। आंटी है बहुत अच्छी। अरे यार मैं बोलता चला जा रहा हूँ और तू मुंडी भी नहीं हिलाता, तुझे भूख लग रही है? यार भूख तो मुझे भी लग रही है। ठहर मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। रोटियां कहाँ गायब हो गई? जल्दी जल्दी खा हीरा, मौसी ने कहीं मुंह चलाते देख लिया तो दो दिन खाना नहीं देगी। ले जल्दी खा। क्यों रे, ये क्या हो रहा है? हीरा को बहुत भूख लगी थी मौसी। तेरा पापा भी भूखा होगा, उसके लिए रोटियां बनाई थी, तूने इस मोई को खिला दिया। काम तो करता नहीं, बेकार का अनाज खाता रहता है। आने दे तेरे पापा को, उसे कहती हूँ इसे बेच कर भैंस ले आ।
अब तुम्हारे होते हुए भैंस की क्या जरूरत है मौसी? बदमाश मुझे भैंस कहता है, मुझे भैंस कहता है। अभी तुझे मजाक कर रहा था। अरे रोटी जल रही है मौसी। यार हीरा, मौसी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। खुद बूढ़ी हो गई है तो खाना भी बूढ़ा पकाती है। कब तक वो पापा के लिए रोटियां पकाती रहेगी? मैं सोचता हूँ पापा का टाका कहीं फिट कर देना चाहिए। वैसे ज्योति आंटी मुझे बहुत पसंद आई, क्या ख्याल है तेरा? कैसी रहेंगी आंटी पापा के लिए? अरे भाई, गधे और घोड़े में क्या प्लानिंग चल रही है? एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। लड़की? अभी से? हाँ बेटा, अभी बहुत छोटे हो, जरा बड़े। अपने लिए नहीं, आपके लिए बंदोबस्त कर रहा था। ओ, यानी कि मेरे लिए लड़की आप ढूंढ रहे हैं? दोस्त जो ठहरा, और फिर इस घर के बारे में और तो कोई सोचता नहीं ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्त? मौसी बूढ़ी हो गई है। हाँ? तुम आज तक मेरी देखभाल करते आए हो, अब तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए नहीं। लेकिन क्यों? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब भी मुझे कोई लड़की पसंद आएगी मैं उसे घर ले आऊंगा। हाँ अच्छा बाबा, अच्छा ले आना। अब जरा चलकर कुछ थोड़ा सा खाएं, भूख लगी है। कम ऑन, लेट्स गो। वाह 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 वाह, क्या कंपोजिशन है, क्या धुन है, क्या तड़प है, वाह वाह वाह। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जगह आपको म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए। सोनलाल जी, जिंदगी की सरगम में कुछ सुर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप उभर आते हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। अच्छा आपको याद है ना, आज आपकी रिकॉर्डिंग है? जी हाँ मुझे याद है। आप बैठिए, चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी। गणेशन, अरे ओ गणेशन, ये सब कौन है? अरे कहाँ मर गया गणेशन। वानकम सर, संगीतकार मोनलाल जी, सोनलाल जी, आपने हमको बुलाया जी। महाशय, चाय नहीं पिलाओगे? अभी पिलाता हूँ जी। इन्ना सर, हमारा गाना सुनो जी। हम त्रिचरापल्ली का किशोर कुमारम जी। युडले थी, ओडले थी, युडले। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू सर। अच्छा इधर आना, आप इधर आना। एक बात बताओ, तुम्हारी मालकिन हमें पसंद करती है या नहीं? अय्या, दूध में मक्खी जे। क्या? नो सर, किचन में दूध नंगा पड़ा जे, मक्खी गिर जाएगा जे। मालकिन तुमको बहुत लाइक करता जी, बहुत लाइक करता जी। गणेशन जी, हम चाहते हैं इस घर में खुशियां ले आए। मैं चाय ले आऊं? लगता है ये शत्रुमुख ज्योति आंटी पर डोरे डाल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो सारे प्लान खराब हो जाएंगे। ये किस बदतमीज ने मारा? गणेशन, गणेशन। ये सर, ये कटोरी तुमने मारी? अय्या मुर्गा, हम तुमको कैसे मारेगा जी, तुम इतना बड़ा संगीतकार जी। बदतमीज बेहुदा, अगर तुम्हारी मालकिन से शिकायत कर दी तुम्हें एक मिनट में यहाँ से निकाल देगी। ना सर, मालकिन को मत बताना जी। ठीक है, कान छोड़ो और चाय लेके आओ। अभी लाते। और सुनो, ये कटोरी भी लेके जाओ, अब नहीं मारना। नैन से नैन मिलाए रखना, बलमा नैन से नैन मिलाए रखना, बलमा नैन से नैन मिलाए। गरम चाय, अरे गर्मा गर्म चाय। अबे उल्लू के पट्टे, आखिर तू चाहता क्या है? कुछ नहीं जी। पहले तूने मुझे कटोरी मारी। नहीं मारी जी। मारी? नहीं मारी। तूने ये गर्मा गर्म चाय मुझ पे फेंकी? नहीं फेंकी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा गला दबा दूंगा।
बड़ा ढीठ है, इसे नहीं मानेगा। चोरी चोरी चुपके चुपके दिल की बगिया में, कौन आता कौन आता, चोरी चोरी चुपके चोरी चोरी चुपके चुप चोरी 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 चलिए मोहनलाल जी। अरे लकी तुम, मोहनलाल जी कहाँ गए? वो बत्ती दुबले से। हाँ वही, वो तो घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहे थे। घोड़े पर बैठकर? हाँ आंटी, मैंने उन्हें रोका भी पर वो नहीं रुके, लगता है बहुत जल्दी में थे। अजीब बात है, अजीब बात है। आपने बताया नहीं, आप अचानक आ गए, कुछ खास काम था? आज तो मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। जरा रुक तो ही रहा। लेकिन तुम इतने नर्वस क्यों हो? नर्वस? कहाँ नर्वस हो रहा हूँ। आखिर ये लड़की पापा पर इतनी मेहरबान क्यों है? इतना सुहाना दिन घर में बैठकर जाया नहीं करते, मौसम कितना रोमांटिक है, चलो कहीं आउटिंग पर चलते हैं। रीता जी, इस वक्त जाना नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। प्लीज। हेलो पापा। हेलो, हेलो बेटे। आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटे। आप कहीं जा रहे थे पापा? जा रहे थे? हाँ, नहीं तो हम तो रीता आंटी को यही समझा रहे थे कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलो अब तो आ गए, तसल्ली हो गई। डार्लिंग, हम आपके पापा को 2-3 घंटों के लिए आपसे चुरा कर ले जा सकते हैं, अकेले घबरा तो नहीं जाओगे? पापा से ही पूछ लो ना। ओफो, अपने पापा की जान कभी कभी छोड़ भी दिया करो ना, तुमने तो इन्हें कोलू का बैल समझ रखा है। नहीं रीता जी, ऐसा मत कहिए, हम दोनों बाप बेटे नहीं बल्कि दोस्त भी हैं, और इसकी कंपनी को मैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा पसंद करता हूँ। बेटे आप आंटी के साथ गपशप मारो, मैं एक फर्स्ट क्लास चाय बना कर लाता हूँ। विशाल, औरत के बिना जिंदगी तुम्हें फीकी फीकी सी नहीं लगती? लगती तो है, लेकिन लकी के प्यार से मीठी कर लेता हूँ। आप शक्कर कितनी लेंगी? एक चम्मच। एक चम्मच। शक्कर 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 शक्कर, नमक नमक नमक, हल्दी, शक्कर। अरे भाई शक्कर कहाँ? अरे भाई लकी, बस तू पूछना कुछ, यहाँ गड़बड़ करता रहता, बस कहाँ शक्कर। इतनी बढ़िया चाय तो आपको बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगी। चाय बनाने में मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। लीजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू। क्यों पसंद नहीं आई? जी नहीं, बहुत अच्छी है। तो फिर पीजिए ना। पीती हूँ। अरे पापा, आपको तो मेहमान नवाजी भी नहीं करने आती। क्यों, क्या हुआ? आंटी को चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट नहीं खिलाओगे? ओह ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, यस। अरे दोस्त, ये रीटा जी ऐसे कैसे चली गई? हाँ कहीं तुमने तो कुछ। पापा ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यहाँ क्यों आती है? मजबूरी है बेटा, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी बुलाता हूँ, वो तो खुद आती है। अब देखना, अभी अपना पर्स छोड़ गई,
फिर आएगी दोबारा लेने? अब नहीं आएगी वो। हाँ?